गोभी मूला आलू आ जाओ, बारिश आने वाला है, आ जाओ। रिया तोड़ लो। हाँ। रिया सब्जी लेने में एक्सपर्ट है ना, कौन करेगा? हम। रिया हाथ ऊपर कर देता है हर समय पे, है ना? आमीन। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बाशन फैमिली व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पूरा फैमिली आ गया दोस्तों इसी जगह को देखने के लिए। हम लोग दोस्तों सोच रहा हूँ इसी जगह को हम लोग सब्जी खेती करेगा दोस्तों। अभी बरसात का मौसम चला गया है, ये पानी का भी सुविधा है दोस्तों। इसी जगह को हम लोग काट उठ के दोस्तों हम लोग सब्जी खेती करने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना कैसा होगा। ये मम्मी साफ कर दीजिए। हाँ ये तो साफ कर दीजिए। ये तो हम लोग साफ कर लेता है दोस्तों ऐसा करके। बहुत ही अच्छा मिट्टी है दोस्तों, पानी का भी सुविधा है, उधर पानी है दोस्तों। आज का मौसम भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, देखिए दोस्तों चारों तरफ बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा है ना। सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश था लेकिन अभी सही हो गया। बारिश सही होने के बाद में दोस्तों हम लोग इसी जगह को थोड़ा देखने के लिए आया। देखो मैं बस बस दे दो, हाँ बस बस दे दो। ये जो जागे है दोस्तों किसी का जागे नहीं है, हम लोग सोचा है जागे बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सब्जी वब्जी ये सब खेती करने से थोड़ा हमारा रुपया मिल जाएगा। हम लोग का यहाँ पे मजदूरी भी हर रोज नहीं मिलता है। ये रहा दोस्तों, ऐसा करके रख देगा दोस्तों इसी जागे को, कोई भी आदमी आएगा नहीं, कोई आदमी सफाई उपाई नहीं करेगा, बागान उगान नहीं करेगा दोस्तों। हम ये तो पट्टा का जैसे हो गया, ये देखिए ऐसा करके रख दिया है, पट्टा का जैसे हो गया ना, ये अच्छा तरह से साफ कर देता है। बहुत ही अच्छा जगह है, हम लोग इसी जगह पे दोस्तों मूला ऐसा गोभी वोभी का खेती करने के लिए सोच रहा हूँ। कैसा होगा आप लोग कमेंट में बताना, और उधर पे दे देता है एक छू ना, उधर उधर दे देता है ऐसा करके दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों, ऐसा करके रख देने से हमारा हो जाता है। लेकिन ये जगह जो है ना किसी का जगह नहीं है दोस्तों, पूरा जंगल है, हो गया ना, और उधर उधर दे देता है। देखिए दोस्तों रिया जंगल साफ करने में लग गया है, इधर साफ कर देता है थोड़ा सा। ये मिट्टी भी बहुत ही अच्छा है रिया मम्मी, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा जंगल दीजिए ना, थोड़ा जंगल दीजिए। इधर ऐसा गाड़ देता है दोस्तों, देखिए ऐसा करके जंगल दीजिए जरा। ए रहा दोस्तों, देखिए ऐसा करके रख देता है। हम लोग आने वाला हफ्ता से शुरू करेगा दोस्तों इस जंगल साफ करने में, इसलिए आज हम लोग जागे को थोड़ा देखने के लिए आया कैसा होगा। आके देखा है मिट्टी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पानी का भी सुविधा है, उधर नदी से हम लोग पानी लेके आके इधर जो गोभी उभी में हम लोग दे सकेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये जितना जंगल है ना ये जंगल उंगल पूरा हम लोग साफ कर देना पड़ेगा। भैया कैसा होगा जागे? मजा होगा। मजा होगा, मजा होगा बोला है। देखिए रिया आओ, कहाँ पे लगाएगा, उधर एक लगा देता है ना, आइए आइए उधर एक लगा देता है। चलिए रिया चलिए। तीन ठू लगा दिया दोस्तों, उधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया है, एक दो तीन ना, इधर भी लगा देता है दोस्तों। देखिए और ये मिट्टी को कोई भी आदमी आके हाथ नहीं लगाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो गया दोस्तों पूरा छह महीने के लिए ना, छह महीने के लिए हम लोगों का हो गया दोस्तों। ऐसा भी दोस्तों ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी का ये जमीन का कोई मालिक नहीं है दोस्तों, हम लोग छह महीने खेती करेगा ऐसा, गोभी उभी का खेती करेगा। गोभी उभी का खेती तो छह महीने होता है, हम लोग सोचा है हाजिरा करने से भी हाजिरा नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग ये बागान थोड़ा करने के लिए सोच रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कैसा होगा, अच्छा होगा ना रे गाँव में? अच्छा होगा, लेकिन मिट्टी भी अच्छा है, पानी का भी सुविधा है। देखिए इसी जगह को हम लोग खेती करने के लिए सोच रहा हूँ, गोभी मूला
उसके बाद में क्या किया और देखना हर चीज का खेती करेगा। बहुत बड़ा जगह है दोस्तों, उधर से लेके पूरा इधर गोभी। अरे रिया बता रहा है क्या क्या वहाँ, गोभी मूला आलू गोभी और लाई हर चीज, हर चीज का खेती करने के लिए हम लोग सोच रहा हूँ। हो गया चले जी, आने वाला हफ्ता से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों साफ करने में। ओए रिया सेठो जल्दी करो, इधर पे आने से दोस्तों रिया सेठो नहाने के लिए शुरू कर देता है हर रोज ऐसा है, यहाँ पे आने से नहाने के लिए शुरू कर दे। ले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उधर देखिए रिया जा रहा है देखिए। रिया सेठो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ, बारिश आने वाला है आ जाओ। इधर आने से नहाने के लिए शुरू कर देता है, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है ना, आ जाओ आ जाओ। इधर आने से रिया सेठो नहाने के लिए शुरू कर देता है, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम लोग दोस्तों जाके देख लिया है दोस्तों, उधर पे हम लोग जाके देख लिया है, अच्छे है जाके। हम लोग आने वाला हफ्ता से शुरू कर देगा। ये जो आप लोग ये जाके देख रहा है, ये जाके भी बहुत ही अच्छा था खेती करने में, लेकिन यहाँ पे खेती करने वाला आदमी इतना नहीं है दोस्तों। इधर भी बहुत सारे जागे है देखिए, इधर भी बहुत सारे जागे है, ऐसे ब्लैंक है दोस्तों, ये कोई मालिक नहीं है दोस्तों, ऐसा है पड़ा हुआ है, ऐसे महीने के लिए खेती कर सकता है। हम लोग जो जागे को देख के आया, हम लोग परमानेंट के लिए नहीं लेगा, हम लोग सिर्फ 6 महीने खेती करेगा, 6 महीने खेती करने के बाद में वो छोड़ देगा, ऐसे है हम लोग खाली सीजन का खेती करेगा। रिया खुल दो। हम लोग दोस्तों यहाँ से थोड़ा सब्जी ले लेता है शाम को खाने के लिए, आइए जी रिया आओ। उधर से लीजिए रिया तोरो। ए रहा दोस्तों देखिए, हम लोग ले रहा हूँ दोस्तों शाक, दोस्तों गालडा शाक, ये देखिए मछली का साथ पका के खाने से दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रिया ले लो, ले रिया तोड़ लो। रिया सब्जी लेने में एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है। ए रहा दोस्तों देखिए, हम लोग ले रहा हूँ गालडा शाक, मछली का साथ पका के खाने से दोस्तों गजब का टेस्टी होता है। क्या हुआ खारे इसको हम लोग खारेक बोलता है दोस्तों। हाँ मुना मुना दीजिए। ए रहा दोस्तों देखिए, हम लोग ले रहा हो हरिया, पकड़ो ये पकड़ो, हम लोग तोड़ लेता है। हाँ पकड़ो, मुना पकड़ो मुना पकड़ो मुना पकड़ो। क्या हुआ मम्मी, रिया तो रहा है ना, तो रहा है तो रो रिया इस पर है ना सब्जी तोड़ने में। हो जाएगा, हाँ चलिए जी। ए रहा दोस्तों देखिए, सब्जी तोड़ लिया है, सब्जी शाक है दोस्तों गालडा शाक। ए रहा दोस्तों देखिए, इतना सा तोड़ लिया है, हाँ चलिए जी है ना रिया। आजा हम गेट लगा देता है, मम्मी आया नहीं है, मम्मी आया नहीं, गेट लगा देता है ना, एक गेट लगा देता है दोस्तों बागान का गेट, इंडिया गेट। हाँ इंडिया गेट, चलिए जी सही है, बताओ लीजिए तो चलिए। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी आज को खार दोस्तों, खार आके नहा धो के अभी फ्रेश हो गया, अभी बनाने वाला हूँ दोस्तों सब्जी। इधर देखिए चूल्हा जला दिया है, उधर रिया भी दोस्तों पोरना स्टार्ट कर दिया, रेहू में धो लेता है ना। ये देखिए हम लोग गालडा का पत्ता धो लेता है। हम लोग आज दोस्तों बना रहा हूँ दोस्तों मेघालय स्टाइल मछली रेसिपी। ये देखिए ये शाक से बनाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी हो जाता है दोस्तों बनाने में, अच्छा तरह से धो लीजिए। ये देखिए हम लोग धो लिया है,
ये रहा दोस्तों, देखिए कोमल का मछली हम लोग कल खाया था दोस्तों, आधा खाया था आधा हम लोग रख दिया है। आज हम लोग एक पत्ता का साथ बनाने वाला दोस्तों, पत्ता शाक का साथ, गलडा शाक का साथ, पूरा मेघालय स्टाइल हम लोग का मछली रेसिपी होने वाला है दोस्तों। आज गजब का टेस्टी होता है। हाँ दीजिए नमक, दीजिए नमक। ये जो हम लोग सब्जी देख रहे हैं दोस्तों, सब्जी बनाने में दोस्तों बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, खाली नमक और पानी देने से हो जाता है, और तेल उल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए अभी इधर पे दोस्तों, देखिए सिर्फ नमक दे दिया, हम लोग मर्चा भी नहीं दिया दोस्तों। हरी मर्चा हम लोग खाता नहीं है, क्योंकि बच्चों लोग खाता है, बच्चों लोग मर्चा होने से थोड़ा दिक्कत आता है सब्जी खाने में। ये रहा दोस्तों, पानी दीजिए, पानी लगे ना, हम चूल्हा पे चला दिया। ये रहा दोस्तों, देखिए रिया फोरो, रिया पढ़ना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। देखिए रिया का दोस्तों आज एग्जाम गैप है दोस्तों, इसलिए आज हम लोग का साथ गया था दोस्तों। वो जो हम लोग बागान करने के लिए जो मिट्टी देखने के लिए गया था, जमीन, उसी को देखने के लिए भी गया था रिया। दे परो परो मतलब परो, कल से एग्जाम और स्टार्ट हो जाएगा, आज थोड़ा गैप था। ए रहा दोस्तों, देखिए पानी दे रहे हैं, देखो मैं पानी दे देना, थोड़ा सा पानी दे देना। ये देखिए पानी दे दिया, इसमें मेहनत नहीं लगता है दोस्तों। मेघालय स्टाइल मछली का रेसिपी बनाने में रहा, मछली थोड़ा बाद में अभी दे देगा, मछली दीजिए। ए रहा दोस्तों, देखिए हम लोग दे रहा हूँ दोस्तों अभी मछली, हम लोग का मेघालय स्टाइल मछली रेसिपी दोस्तों। देखिए गालडा शाक से बना रहा हूँ। फाइनली दोस्तों हम लोग सब्जी बना लिया है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, देखिए हम लोग पूरा अभी परिवार अभी बैठ चुका दोस्तों खाना खाने के लिए। देखो मैं खाना क्या दीजिए ना, सब्जी दीजिए, खाना बोल देता है। हाँ सब्जी दीजिए मेरे लिए दोस्तों। ये जो ये वाला आलू का साथ दोस्तों मछली बॉईल किया है दोस्तों, बच्चों लोगों के लिए हम क्या बनाए दोस्तों, जो हम सब्जी लेके आए दोस्तों, गालडा शाक दोस्तों, उसी को बच्चों लोगों के लिए बनाया, क्योंकि हम दोस्तों ये जो ये सब्जी है ना, ये हम खा नहीं सकता है, क्योंकि हम मेडिसिन कराओ। आप लोगों को वीडियो पे पहले भी बता चुका है दोस्तों, मेरा वो किडनी पे पत्थर हुआ, उसी का मेडिसिन कराओ बोल के हम शुगर सब्जी खा नहीं चाहिएगा। बच्चों लोग खाने से दोस्तों हमको शांति होता है, बच्चों लोग खाने से हमको खुश मिल जाता है, खुशी हो जाता है। प्रे करेगा कौन, प्रे करेगा रिया करेगा ना मम्मी करेगा ना कौन करेगा, रिया हाथ ऊपर कर देता है हर समय पे ना, प्रे करो हम लोग आखिर कौन करेगा। आमेन। मेरा अम्मा ने आज प्रे कर लिया दोस्तों रिया। ये रहा दोस्तों, देखिए हम लोग खाने के लिए शुरू कर दिया आज दोस्तों। हम लोग मेघालय स्टाइल मछली रेसिपी बनाया, बना के बच्चों लोगों को खाने के लिए दे दिया। देखिए दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, गजब का टेस्टी होता है, हमको भी खाने का मन करता है, लेकिन क्या करेगा, मेडिसिन खा दोस्तों मेरा किडनी स्टोन। मजा गजब गजब। हम दोस्तों सिर्फ आलू का साथ बॉईल किया है, देखिए दोस्तों मछली कोमल कप मछली दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होता है कोमल कप मछली। एक किलो मछली दोस्तों हम कल लेके आया था, आधा खा के दोस्तों आधा रख दिया, आज बच्चों लोगों को बना के दे दिया। देखिए कैसा भाजी, मजा मजा ना, हमको भी खाने का मन करता है, लेकिन क्या करेगा ना, गजब का टेस्टी। कैसे हुआ अम्मा, गजब का टेस्टी। बॉईल किया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर भी ये चुका पत्ता का, गाढ़ा पत्ता का सब्जी दोस्तों और गजब का टेस्टी होता है। अच्छा है ना अम्मा, अच्छा है ना। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया होने से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।